6 reasons why YouTube automation business is not for you. जब से मैंने सर आजाद चावला YouTube चैनल पे अपना फ्री कोर्स अपलोड किया है, मैंने आपको 2.5 घंटे लगा के YouTube ऑटोमेशन के बारे में फ्री में सिखाया है, तब से उस वीडियो पे अब तक 4 लाख के करीब व्यूज आ चुके हैं और मुझे इतने लोगों ने रीच आउट किया है जिनको आज से पहले YouTube ऑटोमेशन बिजनेस का नहीं पता था। अब वो आते हैं और वो पूछते हैं कि मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ। तो इस वजह से मेरा पिछले दिनों काफी ज्यादा इंटरेक्शन रहा है उन लोगों के साथ जो लोग YouTube ऑटोमेशन बिजनेस में वाकई में इंटरेस्टेड हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि YouTube ऑटोमेशन बिजनेस इज नॉट फॉर एवरीवन, क्योंकि इन दिनों में मैंने देखा है कि जितने भी लोग मेरे पास रीच आउट करते हैं उनकी सर्टेन एक्सपेक्टेशंस हैं। उनको लगता है कि मैं अगर ये करता हूं तो तब मैं इसमें सक्सेसफुल हो जाऊंगा, मैं अगर ये नहीं करता तब भी मैं इसमें सक्सेसफुल हो जाऊंगा। तो इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसी रीजंस बताता हूं या 6 ऐसे फैक्टर्स बताता हूं जो आपके अंदर अगर नहीं है तो YouTube ऑटोमेशन बिजनेस आपके लिए नहीं है। माय नेम इज साद रशीद एंड हियर ऑन दिस चैनल आई टॉक अबाउट YouTube ऑटोमेशन एंड इट्स स्ट्रेटजीज। अगर आपका फेसलेस कंटेंट क्रिएशन में इंटरेस्ट है, अगर आप चाहते हैं आप YouTube पे बगैर अपना फेस सामने लेके आए, बगैर अपनी आवाज सामने लेके आए YouTube से पैसे कमा सकें, देन दिस चैनल इज फॉर यू। यहां पे आपको बहुत कुछ सिखाया जाएगा। अब जो सबसे पहली रीजन है दैट YouTube ऑटोमेशन बिजनेस इज नॉट फॉर यू, वो रीजन ये है कि यू ट्राई टू कॉपी अदर्स। आपको लगता है कि अगर मैं फलाने का कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा उठा लूं, जैसे वो यूट्यूब चैनल ग्रो कर रहा है पूरे का पूरा वैसा मैं यूज कर लूं, जैसे उसके थंबनेल्स हैं मैं शायद थंबनेल्स भी कॉपी कर लूं, जैसा उसका स्क्रिप्ट है मैं एग्जैक्ट उसका स्क्रिप्ट यूज कर लूं, जैसे उसके वीडियो आइडियाज हैं मैं एग्जैक्ट ऐसे वीडियो आइडियाज इस्तेमाल कर लूं और मैं भी उसकी ही तरह उतने ही टाइम में उतना ही सक्सेसफुल हो जाऊंगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। हमें YouTube ऑटोमेशन बिजनेस में ऑब्वियसली बात है कंपेटिटर पे रिसर्च करनी होती है, हमें देखना होता है कि हमारे बाकी कंपेटिटर्स क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे ऐप्स रिलेटेड कोई चैनल बनाया हुआ है तो मैं एग्जैक्टली उसको कॉपी कर लूं, एक भी चीज उसमें अपनी वैल्यू एडिशन ना करूं, एक भी वीडियो आइडिया मेरा अपना ना हो, थंबनेल्स मैंने पूरे के पूरे उससे छापे हों। देखें अगर वो एक सर्टेन पोजीशन पे है और आप अगर उसी को कॉपी कर रहे हैं तो व्हाई व्यूअर विल वॉच योर वीडियो, जब उसको एक फर्स्ट हैंड कॉपी मिल रही है, जब उसको एक उसका ओरिजिनल वर्जन मिल रहा है तो वो उसकी कॉपी को क्यों प्रेफर करेगा, वो एक सेकंड हैंड चीज को क्यों प्रेफर करेगा। मैंने आज तक ऐसा कोई चैनल नहीं देखा जिसने 100% किसी दूसरे चैनल को कॉपी किया हो और वो उससे आगे निकल गया हो या इवन उसकी टक्कर में आ गया हो। सो अगर आप खुद से कुछ ब्रिंग आउट नहीं कर सकते, खुद से थोड़ी बहुत रिसर्च नहीं कर सकते, देन दिस बिजनेस इज नॉट एट ऑल फॉर यू। उसके बाद जो दूसरा फैक्टर है दैट व्हाई YouTube ऑटोमेशन बिजनेस इज नॉट फॉर यू, वो है कि अगर आप डिसिप्लिन नहीं है, अगर आपके अंदर डिसिप्लिन की कमी है देन दिस बिजनेस इज नॉट फॉर यू। अब डिसिप्लिन मैं किसको कहूंगा, क्या यहाँ पे मैं कोई मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने आया हूँ या आपको मोटिवेशनल स्पीच देने आया हूँ या आपको इस तरह से कुछ पंप अप करने आया हूँ, नहीं। लिटरली टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम अगर इस बिजनेस में जा रहे हैं तो हमें इंतहाई डिसिप्लिन होने की जरूरत इस वजह से है क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिदम ही पूरे का पूरा एक डिसिप्लिन के अराउंड वर्क करता है। अगर हम मिसाल के तौर पे रोज की एक वीडियो डालना हमने कमिट किया और हम पहले 1 महीने रोज की एक वीडियो डाल रहे हैं, उसके बाद जाके चूंकि हमारा दिल नहीं कर रहा, चूंकि वी डोंट फील लाइक कि हमें जो है ना रोज की अब एक वीडियो डालनी चाहिए, यार अब छोड़ो अब 11 दिन बाद मैं एक वीडियो डाल रहा हूँ, उसके बाद 15 दिन बाद मेरी एक वीडियो आ रही है, उसके बाद 30 दिन बाद मेरी एक वीडियो आ रही है, उसके बाद 6 महीने का मैंने प्रॉपर गैप लिया है और उसके बाद जाकर दोबारा से मैं रोज की एक वीडियो डाल रहा हूँ, तो इस तरीके से YouTube का एल्गोरिदम ही वर्क नहीं करता। और इसी बिजनेस को मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा कि हर बिजनेस में डिसिप्लिन चाहिए ये वो, नहीं, मैं प्योरली YouTube के एल्गोरिदम की बात कर रहा हूँ। YouTube ज्यादा प्रमोट उसी को करता है जिसने अपनी एक फ्रीक्वेंसी को सेट किया होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप रोज की एक वीडियो डालें या आप हफ्ते की 4 वीडियोस डालें, नहीं, मैं तो आपको ऐसा कुछ सजेस्ट कर ही नहीं रहा। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हम जो भी फ्रीक्वेंसी डिसाइड करेंगे हमें उस पे अगले 2 साल तक के लिए स्टिक करना है, चाहे आप हफ्ते की 1 वीडियो डालें चाहे आप रोज की 3 वीडियोस डालें। जो आपने अपना शेड्यूल सेट कर लिया उस शेड्यूल को नो मैटर व्हाट फॉलो करना ही करना है। उसके बाद तीसरी रीजन दैट YouTube ऑटोमेशन बिजनेस इज नॉट फॉर यू इफ यू डोंट हैव लॉन्ग टर्म प्लान्स। देखें YouTube हो या कोई भी अदर बिजनेस हो,
हमें मेहनत तो करनी पड़ती है, रिजल्ट तो लेना पड़ता है, लेकिन कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जहां पे आपकी एक शॉर्ट शॉट भी लग जाती है, या जहां पे आपका एक शॉर्ट टर्म में कुछ ना कुछ अचीव हो जाता है। लेकिन अगर आप YouTube पे बिल्कुल नए हैं, अगर आप बिल्कुल एक न्यू भी हैं और आपने YouTube चैनल स्टार्ट किया है, तो आई कैन ऑलमोस्ट बेट इट कि आपकी पहली वीडियो या दूसरी वीडियो या तीसरी वीडियो वायरल नहीं जाने वाली। हाँ, ऐसे YouTube चैनल जरूर हैं जो अभी सिर्फ पहली ही वीडियो अपलोड करते हैं और उनकी वीडियोस वायरल चली जाती हैं और उनके लिए अच्छे खासे व्यूज ला कर दे देती हैं। लेकिन कीप दिस इन माइंड कि हो सकता है कि ये उनका पांचवां प्रोजेक्ट हो, दसवां प्रोजेक्ट हो, पंद्रहवां चैनल हो, जहां पे जाके या जहां पे पहुंचने के बाद अब वो अपनी पहली ही वीडियो अपलोड करते हैं और वही वायरल चली जाती है। उनका जो फर्स्ट प्रोजेक्ट होगा जहां पे वो पहली दफा आए हैं, तो उनको हो सकता है एक साल में, दो साल में, तीन साल बाद जाके उनकी मोनेटाइजेशन इनेबल हुई हो और तब जाके उनको एक्चुअल में समझ आई हो कि यार यूट्यूब आखिर काम कैसे करता है। फिर उन्होंने जब अपना दूसरा चैनल बनाया हो तब उनको दूसरे चैनल में 6 महीने लगे हो, फिर उन्होंने तीसरा चैनल बनाया हो तब उनको 3 महीने लगे हो, जब चौथा बनाया हो तब उनका पहले महीने में मोनेटाइज हो जाए, और जब उन्होंने पांचवा बनाया हो तो उनकी पहली वीडियो से ही उनकी मोनेटाइजेशन इनेबल हो जाए। सो यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखें कि अगर आप शॉर्ट टर्म माइंडसेट के साथ आ रहे हैं कि मेरा 10 वीडियोस बाद चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, 15 के बाद चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, तो शायद ना हो। हाँ, अगर आपका एक्सपीरियंस है तो जरूर हो जाएगा, लेकिन शायद ना हो। अगर हम ये गोल रख रहे हैं कि यार अभी मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, या अभी मैं फॉर एग्जांपल कोई अपने फैमिली बिजनेस में हूँ जहाँ पे मुझे रोज जाना पड़ता है, जहाँ पे मुझे रोज खुआरी काटनी पड़ती है, अपने क्लाइंट्स की बातें सुननी पड़ती हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स को रोज उठ के काम करके मीट करना पड़ता है, तो आप ये भी तो देखें ना कि आप पिछले 2 साल से 3 साल से ये करते ही आ रहे हैं, पिछले 2-3 साल से भी तो ख्वारी काटते आ रहे हैं, क्यों ना हम 2 साल और ख्वारी काटें, YouTube पे अपनी एफर्ट्स पुट करें। लेकिन आज से 2 साल बाद या आज से 3 साल बाद मेरी जिंदगी सुकून में आ सकती है, मेरी YouTube ऑटोमेशन की इनकम मेरी फ्रीलांसिंग की इनकम को क्रॉस कर सकती है, यानी उससे ज्यादा हो सकती है, उससे इंक्रीज हो सकती है, तो तब जाके एक्चुअल में मेरी जिंदगी सुकून में आएगी। अभी अगर आप ये सोचेंगे कि यार फलाना चैनल सुकून से बैठे बैठे $2,000 $3,000 $4,000 कमा रहा है, तो मैं भी 3 महीने बाद एटलीस्ट $1,000 तो कमाऊंगा, ऐसा नहीं होने वाला। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म माइंडसेट रखें और आप अपने आप को कम से कम 2 साल दें, 2.5 साल दें, 3 साल दें, यार पिछले 3 साल भी तो जाया किए हैं, पिछले 3 साल में हमने क्या उखाड़ लिया। तो आज अगर हम अपने आप को 1.5-2 साल 3 साल देते हैं, देन डेफिनेटली हमारी जिंदगी 3 साल बाद एटलीस्ट बेहतर हो सकती है। एक बड़ी मशहूर सेइंग है जो अक्सर मैं अपनी यूट्यूब वीडियोज में कहता हूँ कि वी ऑलवेज ओवर एस्टिमेट वट वी कैन अचीव इन नेक्स्ट 1 ईयर and we always underestimate what we can achieve in next 10 years. यानी कि अगले 1 साल में क्या हो सकता है, हमें लगता है कि सब कुछ हो सकता है, मैं अपना वेट भी जो है 50 किलो कम कर लूँगा, मैं अपनी इनकम को भी 50 गुना बढ़ा लूँगा, मैं मिलियनेयर भी बन जाऊँगा, मैं हज भी कर लूँगा, मैं ट्रैवलिंग भी कर लूँगा, मैं पूरी दुनिया भी घूम लूँगा अगले 1 साल में। लेकिन हम इस चीज़ को अंडर एस्टिमेट करते हैं कि जितनी बातें मैंने कही हैं कि अगले 10 साल में तो पॉसिबल है, 1 साल में हो या ना हो, 2 में हो या ना हो, 3 में हो या ना हो, लेकिन चलते चलते एक राइट डायरेक्शन में हम 10 साल में यहाँ पे आराम से पहुंच सकते हैं। उसके बाद जो चौथा पॉइंट है, दैट यूट्यूब ऑटोमेशन बिजनेस इज नॉट फॉर यू इज बिकॉज दैट यू डोंट लाइक टू गेट गाइडेंस फ्रॉम एनीवन। आपको ये पसंद है कि मैं सब कुछ खुद कर लूँ, आपको ये पसंद है कि मैं किसी से बात ना करूँ और यार बस एक वीडियो देखी, दो वीडियो देखी, अब मुझे समझ आ गई है, अब सब कुछ जो है ना मैं खुद कर सकता हूँ। तो ये एक चीज़ ध्यान में रखें कि मैं नहीं कह रहा कि आप किसी के पास बेशक जाएं, आप ऐसे दोस्त बना लें जो लोग YouTube ऑटोमेशन पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, आप ऐसे Facebook ग्रुप्स को ज्वाइन कर लें जहां पे सारे के सारे लोग YouTube ऑटोमेशन में ही इंटरेस्ट रखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मेरा एक ग्रुप है YouTube ऑटोमेशन पाकिस्तान के नाम से, जैसे वासिक निसार का एक ग्रुप है वासिक निसार डिजिटल के नाम से, यहाँ पे क्या होता है कि सारे लोग YouTube ऑटोमेशन की ही बात कर रहे होते हैं। तो जैसे ही आपको कोई मसला आएगा आप इन ग्रुप्स में जाएंगे, जाके पोस्ट करेंगे, अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लेंगे और साथ साथ आप ग्रो करते चले जाएंगे। लेकिन अगर आप किसी से गाइडेंस नहीं लेंगे, सब कुछ खुद करना पसंद करेंगे, देन दिस बिजनेस इज नॉट फॉर यू। उसके बाद पांचवा पॉइंट, दैट YouTube ऑटोमेशन बिजनेस इज नॉट फॉर यू इज बिकॉज यू डोंट लाइक टू फेस डिसअपॉइंटमेंट्स। मैं आपको ये बता दूं कि इस बिजनेस में जितनी डिसअपॉइंटमेंट्स आपको फेस करनी पड़ेंगी उतनी शायद अभी आप विजुलाइज भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप और मैं जब भी हम एक वीडियो क्रिएट करते हैं, जब भी हम एक वीडियो बना के फ्री होते हैं, हमें एक अंदर से वाइब आ रही होती है, एक फील आ रही होती है कि यार ये वाली वीडियो ना बड़ी जबरदस्त चलने वाली है, या ये वीडियो एक एवरेज वीडियो है, शायद इस पर इतने ज्यादा रिजल्ट ना आए। मैं आपको ये बता दूं कि जब आपको ये लग रहा है ना कि ये वीडियो क्या कमाल की चलने वाली है, इस पे बड़े हैवी व्यूज आने वाले हैं,
तो हो सकता है कि आपको डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़ जाए। क्यों? क्योंकि ना इस चीज की गारंटी आप दे सकते हैं, ना ही मैं दे सकता हूं कि ये वो वीडियो है जो चलेगी, ये वो वीडियो है जो नहीं चलेगी, और जो मैंने कह दिया है बस वो ही फाइनल है। देखिए, अगर इतना श्योरली मुझे पता होता तो आज मैं तो YouTube का मिलियनेयर भी नहीं बल्कि बिलियनेयर होता, क्योंकि मुझे तो हर वीडियो का पता है। इवन YouTube की जो टीम है, उसकी टीम के अंदर काम करने वाले लोग हैं, वो भी आपको गारंटी नहीं दे सकते कि इसका एल्गोरिथम इस वीडियो को कैसे ट्रीट करेगा। तो यहाँ पे आपको बड़ी डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़ सकता है। जो वीडियो आपके लिए बेस्ट है, हो सकता है वो वीडियो आपके चैनल पे 10 ऑफ 10 परफॉर्म करे, यानी लास्ट 10 वीडियोस में से सबसे वर्स्ट परफॉर्म करे। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट YouTube ऑटोमेशन बिजनेस इज नॉट फॉर यू इज बिकॉज यू डोंट लाइक टू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। देखिए, किसी भी बिजनेस में हम जा रहे हैं तो उसमें या तो पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे या तो अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आज ही सब कुछ हो जाए, मुझे अपना टाइम इन्वेस्ट ना करना पड़े, ऑब्वियसली बात है चैनल आपके लिए नहीं है, ये बिजनेस आपके लिए नहीं है, ये YouTube आपके लिए नहीं है। अगर आपको लगता है कि मुझे एक भी पैसा खर्च ना करना पड़े एंड स्टिल मैं यहां से बहुत ज्यादा पैसे कमा लूं, then still this business is not for you. आपको अपना टाइम भी देना पड़ सकता है, आपको कुछ ना कुछ पैसे अपनी टीम पे भी इन्वेस्ट करने पड़ सकते हैं, आपको अपने पैसे कहीं ना कहीं वन टू वन मेंटोरशिप्स में भी देने पड़ सकते हैं, आपको अपने पैसे कोई कोर्सेज बाय करने में भी लगाने पड़ सकते हैं, जैसे कि आपको कहीं ना कहीं अपना कुछ ना कुछ एसेट या अपना रिसोर्स इन्वेस्ट करना ही है, चाहे आपका टाइम है, मनी है या एफर्ट्स हैं। सो अगर आप सीरियसली चाहते हैं कि आप YouTube ऑटोमेशन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा नॉलेज लें, अपडेटेड नॉलेज लें, 2023 का लेटेस्ट नॉलेज लें, तो उसके लिए मैंने एक प्रोग्राम बनाया है YouTube ऑटोमेशन मास्टरी के नाम से, जिसमें मैं आपको 130 के करीब वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूं जो टोटली YouTube ऑटोमेशन से रिलेटेड है, एंड दोज आर प्री रिकॉर्डेड। प्लस आपको 52 लाइव सेशंस भी दे रहा हूं, जहां पे आप लाइव आके अपने क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और उनका इंस्टेंटली जवाब ले सकेंगे। प्लस यहां पे आपको प्राइवेट फेसबुक कम्युनिटी की भी एक्सेस मिल रही है, जो बात मैंने आपसे पहले की कि आपके पास एक नेटवर्क होना चाहिए। यहां पे प्योरली वो लोग हैं जो लोग इस प्रोग्राम में इनरोल्ड हैं, एंड दे आर वेरी सीरियस अबाउट देयर बिजनेस, दे आर वेरी सीरियस अबाउट YouTube ऑटोमेशन। प्लस आपके पास यहां पे चैनल ऑडिट की भी अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप एक सर्टेन थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर चुके हैं, उसके बाद आई विल बी देयर, जो मैं आपके चैनल का आके ऑडिट करूंगा, और अगर उसमें कोई मसले हैं तो वो आपको प्रॉपरली गाइड करूंगा कि इनको कैसे सॉल्व करना चाहिए। सो राइट नाउ आई एम ऑफरिंग 50% डिस्काउंट ऑन दिस प्रोग्राम। इसकी एक्चुअल प्राइस तो थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन अभी 50% ऑफ की वजह से कि इतनी लो हुई हुई है कि यू कांट इवन इमेजिन दैट। सो अगर आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं इस बिजनेस में, तो अभी इनरोल करें और हमारी जो प्राइवेट कम्युनिटी है उसका हिस्सा बने। सो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, एंड आई वॉन्ट कि आप इस वीडियो को 300 लाइक से ऊपर लेके जाएं। आई विल सी यू इन माई ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।